छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कॉन्क्लेव में लगाए गए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र तुरही भी बजाया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 1 नवम्बर से आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए। अखिलेश, छत्तीसगढ़ के सीएम दिल्ली के नादर म्यूजियम आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? चलिए, लगता है अखिलेश से संपर्क टूट गया है, जल्द ही संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने कॉन्क्लेव में लगाए गए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और लोककला पर केंद्रित स्टॉलों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ का पारंपरिक वाद्य यंत्र तुरही भी बजाया। एक बार फिर से हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अखिलेश, छत्तीसगढ़ के सीएम दिल्ली में नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए थे, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जिस तरीके से किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में शामिल हुए थे, उससे कई तरीके से विकल्प निकल करके सामने आ रहे हैं, जिससे अगर अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस तरीके से 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में जो आदिवासी महोत्सव मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर के खासा तैयारी है। उसी के सिलसिले में आज वहां मुलाकात किए और निश्चित तौर पे ये बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। और इस बार जो 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में जो आदिवासी महोत्सव होने जा रहा है, उसमें 1500 जनजाति जो है वो शामिल होने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे है। इसके अलावा मुख्यमंत्री झारखंड के और तमाम जो बड़े नेता हैं, और इसके अलावा जो बाहरी टूरिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा देने की क्रियाकलाप है, वो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार कर रहे हैं। जी तिवारी जी, अखिलेश, आपने एक बात कही कि जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसको लेकर काफी तैयारियां की जा रही हैं। आपने जिक्र किया कि राजनीतिक लोग भी वहां पर आएंगे, तो वो कौन से चेहरे हो सकते हैं? देखिए, जो राजनीतिक चेहरे में अगर बात की जाए, तो 1500 जो जनजाति हैं उसको प्रमुखता से दिखाने के लिए और उनकी अगुवाई करने के लिए ही जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनको निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा जो अन्य जनजाति है, चाहे जीरमा जनजाति की बात किया जाए, चाहे हल्बीगोंडी भाषा की बात जनजाति की बात किया जाए, या फिर बात किया जाए जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, जो अंबिकापुर के आदिवासी होते हैं, उनको भी शामिल किया गया है। ऐसे करके अलग अलग देश के जो जनजाति हैं, अलग अलग राज्यों की जो आदिवासी हैं, उनको इसमें 1500 जनजाति है जिसको शामिल करने की जो तैयारी है, वो तैयारी पूर्ण रूप से हो गई है। और निश्चित तौर पे आदिवासियों के लिए लेकर के एक अलग से उत्थान करने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पे की जा रही है। और साथ ही साथ आदिवासियों के लिए और क्या प्रमुखता किया जा सकता है, इसके लिए फोकस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। जी बिल्कुल, अखिलेश सही कहा आपने, कहीं ना कहीं जो आदिवासी समुदाय है उसको बढ़ावा देने के लिए आदिवासी राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, और उसमें कई दिग्गज लोग भी पधार सकते हैं। धन्यवाद अखिलेश जानकारी देने के लिए।